हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो है कुछ धमाल करने वाले हैं। आज संडे था, आपको पता ही है हर संडे जिद करते हैं कहीं ना कहीं जाने की। तो आज हमने प्लान किया है, एक जगह स्विमिंग करने जाएंगे हम। सुनने में आया है कि वो एशिया की सबसे बड़ी जो है उन्होंने वो खेत में होद्दी बनाई है अपने घर में, और वहाँ पे हम स्विमिंग करके आएंगे। देखते हैं वो कितनी बड़ी है। मोहित चौधरी सदरपुर के यहाँ पे वो होद्दी है, और अभी चलेंगे देखेंगे कैसी होती है वो। तो क्या क्या प्लान है बच्चों, बताओ। चलो आज आज चलते हैं, आज चलते हैं, चलते तो हैं भाई चलते हैं, देखते और हैं कि मस्ती वहां करके पे आते हैं। मस्ती करके आते हैं, मस्ती देखते हैं कि करके वहां आते पे हैं। कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, तो हम आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं। तो चलते हैं गाइस, और देखो बच्चे फुल उसमें चल पड़े हैं। देखो वो हमें बड़ी मिस कर रहे हैं कि वो खुद नहीं जा पा रहे, पीछे खड़े खड़े कैसे कर रहे हैं दोनों। अब अगर ये चली गई तो सारा पानी बाहर आ जाएगा, उसमें पानी रुकेगा नहीं। तो चलते हैं। चलो सामने खड़ी है गाड़ी, अब बैठे हैं गाड़ी में। दिए हैं और देखो ये शिव हो गया था बीच में खड़े होने के, बीच में खड़ा है। सिद्धू पीछे बैठा है और मिठू भी पीछे बैठा है। संदीप भाई जो है गाड़ी चला रहे हैं, और अभी हम चल दिए स्विमिंग करने। देख के आएंगे क्या है आज एशिया की सबसे बड़ी होदी का सच, कैसी होगी वो होदी, कितना होगा उसमें पानी, क्या होगा उसका टिकट, और सब आज इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो अभी हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में, जाके मिलते हैं वहीं पे। बाय बाय। तो गाइस गर्मी हो रही है बहुत, और गर्मी में पानी ही एक मज़ा दे सकता है जो गर्मी को दूर कर सकता है। नेचुरलिटी तो बाकी तो ऐसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमें जाना था आज मॉर्निंग में, लेकिन मॉर्निंग में छोटे भाई की तबीयत हो गई थी एकदम से ख़राब, तो जा नहीं पाए। फिर उसको उसके नाक से ब्लड आ रहा था, उसकी नक्शी छूट गई थी। काफ़ी सारी टैबलेट्स वगैरह दी, इंजेक्शन दिया, ट्रेनेक्सा दिया, नहीं ब्लड रुक पाया। फिर उसको ENT के पास लेके गए, वहाँ नेजल पैकिंग करा के लाए। तो उस सब में जो है मॉर्निंग में हम नहीं जा पाए। तो बच्चे भी आज उदास थे कि पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, छोटे पापा का ब्लड ठीक होगा, कितने देर में होगा, कैसे होगा। तो फाइनली हम दोपहर को घर आए थे, तो हमने दोपहर में तो फिर प्लान कैंसिल कर दिया था। तो अभी हम जा रहे हैं, और अभी 4:38 हो चुके हैं, और बच्चों ने अपना थोड़ा चिप्स और रोटी वगैरह भी कुछ ले लिया है। तो अभी चलेंगे, पानी गर्मी से बचा सकता है, देखते हैं जाके। तो ये हमारे मोहित भाई, हम इनके पास पहुंच चुके हैं आज इनके स्विमिंग पूल पे। और क्या हाल है? अरे नमस्ते भाई। तो
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी, और मैं आपको दिखाता हूँ, मोहित भाई ने तो दावा किया था ऐसे की सबसे बड़ी होती मैं भी उसे देख के आया था आज यहाँ, तो एक बार दर्शन कराऊंगा आपको। देखते हैं कैसी पानी के अंदर से पानी के अंदर साथ हो चुका रेडी, और ये देखो। हाँ भाई, धमाल मचाने के लिए रेडी है। हाँ। पक्की शिव भी रेडी हो चुका, और शिव भी रेडी हो चुका, मिठू भी अभी रेडी हो चुका, हम सब रेडी है। मिठू शिव इधर आओ, शिव चला बताओ रेडी कूदने के लिए। अब हम हो चुके हैं रेडी कूदने के लिए। लाइफ जैकेट शिवू ने पहन ली है और अब रेडी है हम। अभी देखते हैं पानी में जाएंगे कितनी गहरी है। संदीप भाई भी चलो, शिवू चलो, मुझे डर लग रहा है। चलो चलो चलो, चलो। चलो चले जाओ चले जाओ चले जाओ, इन्हें चलो इसे ले लिया अंदर। अरे गुड्डी ना, ज्यादा मत, ज्यादा मत, ज्यादा। अभी देखो शिव भी डर गया, मैं हूं ना बेटो उतर नीचे, इसे इसे छोड़िए, और इसकी मन कर दिया रोना शुरू। मिट्टू उतर जा नीचे, अब ऐसे पहन के भी डर रहा तुम्हें। गया डर तो अभी देखिए गाइस कितनी लंबी होती है, वाकई में बहुत बड़ी होती है, और यहाँ बच्चे खूब मस्ती कर सकते हैं। सिद्धू अभी नहा रहा है ये देखो, और शिवू अभी जाने वाला है। सिद्धू मिट्टू चल पानी के अंदर, मिट्टू भी अभी पानी के अंदर पहुंच चुका है, ये देखो। यहाँ जाए यहाँ जाए।
यही ना बैठे किनारे किनारे पे पकड़ गया ना, बीच में मत जाओ, यही ना लो। उनको पुराने फोटो दिखाए जा रहे हैं, हनुमान जी की तरफ से शक्ति याद दिलाई जा रही है कि तू पहले भी लाइफ जैकेट पहन के पानी में जा चुका, अब ये डर रहा है बार बार, तो इसको दोबारा वो पुराने फोटो दिखा के इसको बताया जा रहा है। अब इसको समझ आ गया। आजा भाई आजा, जल्दी आ यहाँ। हमारा शिव ब्लॉगर देखो अभी मजा आ रहा पूरा। हम मुझे आउट कर ले, ऐसा कुछ नहीं। अभी आ रहे हैं, उठो यहाँ माता। सबसे बड़ी बात है ये प्रकृति के बहुत पास है, नेचर के पास है, और ये देखो चारों तरफ कितना सुंदर नज़ारा, किसी स्विमिंग पूल में नज़ारा नहीं मिलने वाला। और ये मोहित चौधरी है छतरपुर के, उन्होंने ये यहाँ पे बनाई हुई है बेहतरीन स्विमिंग पूल, काफ़ी अच्छा, 40 रुपये उन्होंने यहाँ का चार्ज बताया था। अभी हमने यहाँ पे बच्चों ने करती है और मैं आपको सारी अच्छी तरह दिखा रहा हूँ, साफ सुथरा पानी है। और ये देखिए वहाँ से ये रिसाइकल होकर पानी हो रहा है, नीचे से जो ओवर फ्लो पानी है वहाँ से बाहर निकलेगा और अच्छी तरह इन्होंने मदद पूजा की हुई है। इन्होंने लगाया हुआ है छत्ता तेल वगैरह निकालने के लिए, तो अच्छी सुविधा है, शुद्ध तेल यहाँ पे इनका मिल सकता है अगर आप तेल भी लेना चाहें तो इनका तेल। देखो सर्दी लग रही है शिव ब्लॉगर को, और ये देखो और दो देख नीचे यहाँ नहीं लगता किसके अंदर जाएगा, तो फिर से चलो फिर से। और फिर से चलो।
इंद पे उठा भी नहीं जाने का उठा भी नहीं जाओ उठा भी नहीं जाने का इनपे उठा भी नहीं जाने का देख देख बॉल इधर तू कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा है हाँ Thank you.
ऐसा मुंह थोड़ा सा ऊपर रखा करो, इसका मुंह पानी करता। हाँ यहाँ से फोन कैमरे में तो पानी हटा ले, कैमरे पे वीडियो चल भी रही ना, कई बार ऐसा लगा है वो लाल पैर है चलती ना, नहीं टाइम बढ़ रहा ना। हरे 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 जा, ओए इसके पैर छोड़ दे। जंप करने कमर थोड़ी नीचे रखो, हल्की सी गर्दन ऊपर हो जाना। आजा आजा तो गाइज हम नहा चुके और नहा के अभी हम चल दिए, संदीप भाई गाड़ी घुमा रहे हैं वो देखो, और काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम, ठीक है, खूब मज़ा आया, खूब ठंडा ठंडा पानी था, गर्मी खूब दूर हुई। तो अभी चलते हैं घर पे। तो कैसा लगा भाई स्विमिंग पूल में? अच्छा। मज़ा आया जी। हर संडे का प्रोग्राम बना लेंगे यहीं का? Yes. या कुछ और भी कर लें? कभी कभी कुछ और भी करेंगे। अच्छा तो लाइफ जैकेट नहीं है पर यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज के हिसाब से बच्चों के लिए ठीक नहीं है, बाकी वैसे सही है, ज्यादा गहरी तो है नहीं, 2 मिनट का तो कंधे तक पानी आ रहा था और शिव के तो पैर भी नहीं लग रहे थे, कि लाइफ जैकेट थी वो लाइफ जैकेट में चैन नहीं थी, इसके इससे बड़ी थी तो वो भी सुटेबल नहीं थी इसके लिए। तो बाकी रस्सी से एक जुगाड़ करा था, एक बार सिद्धू ने बांध दी थी, एक बार मिट्टू ने, तो थोड़ा ठीक थी, चल गया था काम, लेकिन ज़्यादा बढ़िया नहीं थी सेफ्टी के हिसाब से, इनको लाइफ जैकेट रखनी चाहिए, कल कोई हादसा हो जाए तो लेने के लेने पड़ जाएंगे। तो गाइज कुल मिला के अच्छी थी, मोहित भाई ने अच्छी ओदी बना रखी है और अच्छी ओदी बना रखी है, काफ़ी मज़ा आया, गर्मी के हिसाब से सही है, कूल कूल करने के लिए पानी रिसाइकल होता रहता है, गंदा पानी बाहर निकलता रहता है और फ्रेश पानी आता रहता है, तो काफ़ी अच्छा है, खेत भी है, खेत में चला जाएगा पानी वो, तो सही है सिस्टम, और स्विमिंग पूल से तो अच्छा है, 40-40 रुपए का टिकट है तो आसपास के लोग तो जा ही सकते हैं यहाँ से। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय।